हेलो एवरीबडी, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय रेखा मैम. एज यू कैन सी अगेन वी आर कंटिन्यूइंग द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज. एंशियंट सोसाइटीज की जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर, देर आर फोर ऑप्शंस हैज गिवन: एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, एथनोलॉजी. सो आई एज ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि जब भी आप इन ऑप्शंस को देखें तो यू शुड नो ऑल ऑन ऑप्शंस. हिस्ट्री तो नहीं होती, हिस्ट्री पुरानी चीज़ों के बारे में स्टडी होती है ना, सोसाइटीज़ के बारे में नहीं होती. सिर्फ बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी हिस्ट्री है, जो हमारा पास्ट बीत चुका है उसकी स्टडी ऑफ पास्ट कह सकते हैं आप हिस्ट्री को. ठीक है, एथनोलॉजी क्या है? आपका जो भी इको जो पारिस्थितिकी है, इको सिस्टम है जीव का, उसे एथनोलॉजी कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंथ्रोपोलॉजी. अब एंथ्रोपोलॉजी क्या है? आपका नृविज्ञान है ये, और इसमें आंसर्स भी देखो दिए हुए हैं. जो आर्कियोलॉजी है, दैट इज़ द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अ स्टेटमेंट, तो आंसर है आपका आर्कियोलॉजी. ओके, अ स्टेटमेंट दैट अपीयर सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बट दैट रिवील्स अ काइंड ऑफ ट्रुथ. एक स्टेटमेंट जो कि सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है लेकिन वो एक तरह का ट्रुथ दिखाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैराडॉक्स. ओके, नेक्स्ट है अभी आयरनी क्या है? आयरनी किसी पर किसी भी चीज़ के लिए एक व्यंग करना, वो आयरनी है. मतलब कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है और उस पर कटाक्ष करना, इस तरह आयरनी कहलाता है. ताना देना, जैसे निंदा करना, इसमें है लिखा हुआ. अच्छा, ओनोमोटोपिया क्या है? ओनोमोटोपिया, जैसे मैंने बोला बज, तो किस आवाज़ों का जो साउंड है, ठीक है, उसे ओनोमोटोपिया कहते हैं, जब उसे वर्ड्स के थ्रू दिखाया जाता है. सिमिली क्या है? सिमिली जो आपका, जैसे मैंने बोला शी इज जस्ट लाइक एज मी, तो यहाँ पर मैंने एज लगा दिया. ठीक है, तो जब किसी से किसी की तुलना करते हैं तो सिमिली है. फाइन, अब देखो यहाँ पर इसमें क्या दिया था कि जो चीज़ किसी ट्रुथ को रिवील करती हो, तो वो ये पैराडॉक्स है. पैराडॉक्स का मतलब है किसी भी चीज़ का मतलब कोई चीज़ गलत है, ठीक है, उसके बारे में उसका आभास, दैट इज़ द पैराडॉक्स. मच डैमेज एंड मिस फॉर्च्यून कॉज्ड बाय नेचर इज नॉन एज. अच्छा, एक बात भी याद रखेंगे, पैराडॉक्स को जो हिंदी में लिखा हुआ है इस पर बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप इंग्लिश मीनिंग पर ही जाएंगे. ठीक है, एक स्टेटमेंट जो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, यानी खुद में वो विरोध दिखाती है. कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है विरोध, खुद में विरोध है वो, लेकिन वो सच्चाई दिखा रही है. ठीक है, तुम तो बड़े ही माहिर हो, तो मुझे पता है. तो ये क्या है, क्या दिखा रहा है ये? मतलब सच्चाई भी है और ये भी है कि वो विश्वास नहीं है कि भाई आप ऐसा कर सकते, है ना, तो दोनों चीज़ें. मच डैमेज एंड मिस फॉर्चून कॉज बाई नेचर इज नॉन एज, क्या कहते हैं? बहुत सारा डैमेज किया गया हो, ठीक है, बहुत सारा नेचर के द्वारा उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यहाँ कैलेमिटी, यानी कि आपदा. ओके, अच्छा नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे आएंगे. और एक और वर्ड है यहाँ पे फैकेट. फैकेट का मतलब क्या है? कोई मुखौटा जवाब लगाते हैं, किसी चीज़ का दिखावा करते हैं, तो दैट इज़ द फैकेट. एक है यहाँ पे फैन्यूरी है, ये कंजूसी से कमी या फिर किसी जिसे दरिद्रता कहें. फिर है ये फर्टिलिटी, यानी जब किसी की चीज़ की उपजाऊ ज़मीन या उर्वरता की बात की जाती है. तो अब यहाँ पर तो डैमेज की बात हो रही है ना, तो आंसर है इसका कैलेमिटी. ओके, सो व्हाट इज द आंसर हियर? दिस इज कैलेमिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग, ये तो सबको पता होगा, कैलीग्राफी कहते हैं इसको. ओके, अच्छा फिर इसमें और भी वर्ड्स हैं, कार्नेज है, कोरियोग्राफी है, फिर एनेस्थीसिया है. एनेस्थीसिया तो दिया जाता है एक्चुअली, ये एक डिजीज़ में, लाइक जैसे यहाँ पर किसी को जैसे बॉडी को अनकॉन्शियस करना हो, तो एक तरह का ये डोज है जो कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं. ठीक है, कोरियोग्राफी का पता है, ये आपको नृत्य कला के लिए, डांस के लिए यूज़ किया जाता है. अच्छा, ये कार्नेज जो है वो मर्डर के लिए,
यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा। कोई मर्डर के लिए हो तो कार्नेज, और डांस के लिए हो तो कोरियोग्राफी, और किसी को अनकॉन्शियस करना हो तो एनेस्थीसिया, एक डोज है। फाइन, वन हू और एब्सटेंस कम्प्लीटली फ्रॉम अल्कोहल, जो बिल्कुल अल्कोहल छोड़ देता है उसे टी टोटलर कहते हैं। ये यहाँ पर टोटलिटेरियन लिखा हुआ है, ये भी ठीक है। ओके, टी टोटलर भी है तो भी ठीक है। फाइन, यहाँ पर नंबर सी आंसर है, टी टोटलर। ओके, ये आ चुका है एग्जाम में, TCET 2011 में आया था। फाइन, अच्छा, एथीस्ट आपको पहले मैंने करवाया हुआ है, जो बिलीव नहीं करता गॉड में उसे एथीस्ट कहते हैं। और क्लिप्टोमैनियक जो है वो जिसे चोरी करने की बीमारी होती है उसे क्लिप्टोमैनियक कहते हैं। ओके, टोटलिटेरियन वो होता है जो एक दल से हो, किसी एक ही दल से हो, जो उसके पास सारी सत्ता हो, मतलब सारा पावर हो, जिस पर जिसको सारे अधिकार हो, तो दैट इज़ कॉल्ड टोटलिटेरियन। ओके, नेक्स्ट है द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड खुद की गवर्नमेंट। ओके, इसको क्या कहते हैं, तो ऑटो में ही आएगा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑटोक्रेसी है, ऑटोमेशन है, ऑटोगेमी है। ऑटोगेमी तो आपको पता है स्वयं होना होता है, ठीक है, यानी कि जिसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं ऑफ अ प्लांट, तो ऑटोगेमी है। ये बायोलॉजी का वर्ड है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ओके, और ऑटोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट बाई वन पर्सन है ऑटोक्रेसी, बट इसमें क्या है, कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, तो इसमें आएगा ऑटोनॉमी। फाइन, ये बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऑटोक्रेसी और ऑटोनॉमी जो है वो थोड़ा सा मिलता जुलता है, बट इसमें डिफरेंस ये है, ये जो ऑटोक्रेसी है वो गवर्नमेंट बाई वन पर्सन होता है, और ऑटोनॉमी जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट है। ठीक है, और ऑटोमेशन क्या है, व्हाट इज़ ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन ये है खुद से चलना। ठीक है, तो दैट इज़ वो तो नहीं इतना है, ऑटोगेमी पता चल गया होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन है किसी प्लांट का। नेक्स्ट है एकॉम्प्लिश, एकॉम्प्लिश का मतलब क्या है, एकॉम्प्लिश एसोशिएट इन क्राइम, लीडर, एनिमी, स्किल्ड वर्कर। एकॉम्प्लिश कहीं भी दिया हो तो हमेशा उसका वर्ड जो रिलेशन है वो एसोशिएट से होता है, इसीलिए इसका आंसर है यस यस। ओके, नेक्स्ट द मीनिंग ऑफ यूथेनेसिया इज, जो यूथेनेसिया वर्ड है उसकी मीनिंग क्या है। देखिए, आप तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, मर्सी किलिंग है, मर्डर है, एसेसिनेशन है, और आपका एट्रोसिटी है। देखिए, मर्सी किलिंग जो है वही आपका एथनेशिया होता है, और एथनेशिया जो भी व्यक्ति, ठीक है, मतलब किसी ऐसे कारण, ऐसे डिसीज से परेशान हो जिसे उसे मरने की इच्छा होने लगी, वन यानी कि वो चाहे कि भाई मुझे सेल्फ मेरी मृत्यु हो जाए। ओके, तो इसीलिए उसको क्या कहेंगे, इसका आंसर है मर्सी किलिंग। ओके, फाइन, मतलब मर्सी, दया करो प्रभु मुझे मारो, लाइक इस तरह का जो केस हो जाता है। अब मर्डर तो है नहीं। ओके, एसेसिनेशन भी नहीं, एसेसिनेशन का मतलब होता है कपट करके किसी को मारना। ठीक है, एट्रोसिटी भी नहीं है, यानी किसी पर अत्याचार करना, बहुत महापाप करना, तो इसका आंसर है मर्सी किलिंग, यूथेनेशिया आंसर इज मर्सी किलिंग। ओके ओके, सो नेक्स्ट है अनीप आफ्टर लंच इज कॉल्ड, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है TCET 2011 में। थोड़ी सी झपकी लंच के बाद क्या कहलाती है, वो सीस्ता कहलाती है। ठीक है, अच्छा, आइडियलाइज पता है, बोरी होना, थोड़ा सा दो तरह का, एक तो आइडियल होता है, एक आइडियलाइज होता है। आइडियल मतलब वो आई एम फीलिंग आइडियल, तो ये क्या है, बोर हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो है वो आइडियलाइज है, यानी आदर्श बनाना है, किसी को आदर्श रूप देना। फिर एक है बैरियो, बैरियो क्या है, एक नगरी डिस्ट्रिक्ट होती है, और मतलब सिटी की एक डिस्ट्रिक्ट। स्लीप वॉकिंग पता है, नींद में चलना, तो नींद में चलना तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बैरियो भी नहीं हो सकता, आइडियलाइज भी नहीं, तो इसका आंसर है सीस्ता। द सडन रनिंग ऑफ अ हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल्स से क्या कहते हैं, अचानक से एनिमल्स दौड़ पड़ते हैं सडनली। ठीक है, तो ये अलूफ तो नहीं है, अलूफ का मतलब होता है बिल्कुल अलग थलग, राइट। आइडियलाइज भी नहीं, आइडियलाइज का मतलब आदर्श बनाना। फीस्ता, फीस्ता का मतलब है उत्सव त्यौहार पर, तो ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर स्टैम्प पैड है, देखने से ही समझ में आ रहा है कि स्टैम्प्स पड़ रहे हैं, स्टैम्प पैड हो रहा है, तो दिस इज आंसर स्टैम्प पैड।
ओके नेक्स्ट है यहाँ एज आई हैड हर्ट माई आई एज आई है जैसे मैंने अपनी आँख को हर्ट किया आई हैड टू गो टू अब आँख में लगी है तो कहाँ जाएंगे साइकियाट्रिस्ट के पास तो नहीं जाएंगे दिमाग की प्रॉब्लम है नहीं कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट वालों को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं दिमाग वालों को मनोविज्ञान वाली प्रॉब्लम्स को साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं और आर्किटेक्ट जो कि भवन बनाता है ऑक्यूलिस्ट जो होता है उससे आई ठीक करता है ठीक है तो आपका आंसर है ऑक्यूलिस्ट याद रखिएगा कि एज आई हैड हर्ट माई आई आई हैड टू गो टू ऑक्यूलिस्ट ऑक्यूलिस्ट क्योर्स द आई ओके जैसे डेंटिस्ट क्योर्स द टीथ ऑक्यूलिस्ट क्योर्स द आई ओके रिमेंबर दिस थिंग अच्छा नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन कट गया है मैं आपको क्वेश्चन ऐसे ही बता देती हूँ इन ऑर्डर टू रिपेयर द लीकिंग पाइप अगर आपका पाइप खराब है ठीक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया इस पर तो आप सबको पता है कारपेंटर क्या करता है इलेक्ट्रीशियन क्या करता है ना आर्किटेक्ट क्या करता है वह आपको बता के मैं अपनी और आपकी बेइज्जती नहीं करूँगी तो आपको इसका आंसर पता होगा कि प्लम्बर पाइप ठीक करता है इसीलिए आई कट दिस क्वेश्चन अ फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज एक फॉल्स आइडिया या फॉल्स इमेज को क्या कहते हैं एल्यूजन कहते हैं इमेजरी कहते हैं एल्यूजन कहते हैं फॉल्स एल्यूजन का मतलब है भ्रम ओके और एल्यूजन का मतलब है इशारा या किसी तरह का इंडिकेशन तो डिफरेंस है एल्यूजन ए डबल एल यू एस आई यू एन एल्यूजन मीन्स इंडिकेशन ओके तो ये एल्यूजन आंसर है आपका नंबर सी ओके नेक्स्ट आते हैं यूजिंग सॉफ्टर साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस ओके जब हम बहुत ही सॉफ्ट वर्ड्स का यूज़ करते हैं ब्लंटनेस को ख़त्म करने के लिए तो उसका उसको क्या कहते हैं यूफेमिज्म कहते हैं यूफ्यूइज्म कहते हैं एसोनेंस कहते हैं या रिजोनेंस कहते हैं जो रिजोनेंस है उसका मतलब है किसी वर्ड का ना साउंड आ रहा है पीछे से आ रहा है ठीक है बोलते हैं ना अरे यार एगोसा हो रहा है वाइब्रेट हो रहा है तो रिजोनेंस है बच्चों ठीक है एसोनेंस क्या है अगर बहुत सारे वोवल्स एक साथ आ रहे हैं ठीक है तो एसोनेंस है ये बहुत आता है फिगर ऑफ स्पीच में यूफेमिज्म क्या है बहुत ही सॉफ्ट बोलना है ना यूफेमिज्म क्या है यूफेमिज्म क्या है बहुत ही सॉफ्ट बोलना बहुत ही मंगल भाषण दैट इज कॉल्ड यूजिंग सॉफ्टर साउंडिंग उसे आप कहेंगे यूफेमिज्म ओके तो हमें हमेशा यूफेमिज्म का यूज़ करना चाहिए वाइल स्पीकिंग एलिप्सिस रिफर्स टू एलिप्सिस जो है वो क्या रेफर करते हैं ओमिशन ऑफ वर्ड्स एडिशन ऑफ वर्ड्स मिक्सिंग ऑफ वर्ड्स या नन ऑफ द तो एलिप्सिस है जब हम किसी भी कुछ जैसे मैंने कुछ लिखा और उसमें मैंने कुछ वर्ड को छुपा लिया ठीक है तो वो क्या हो गया एलिप्स हो गया ओके तो एलिप्सिस हो जाता है ओमिशन ऑफ वर्ड ओके नेक्स्ट वन हु लिव अमंग स्ट्रेंजर्स जो व्यक्ति स्ट्रेंजर्स के साथ रहता है ठीक है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे जो स्ट्रेंजर्स के साथ रहता है उसे क्या कहते हैं ओके तो रेक्लूज कहते हैं एलियन कहते हैं दो ही दे रही हूँ मैं आप दोनों में से कोई एक आंसर है तो प्लीज़ फाइंड द आंसर एंड बाय द आफ्टर दिस आप इन सबको इन जो सारे वर्ड्स को करना है आपको ये नहीं कि मैंने जो आंसर बताया उन्हीं के करें आप क्योंकि कोई भी वर्ड पूछा जा सकता है सो प्लीज़ लर्न ऑल द वर्ड्स ओके और अगर कैसा लगा आपको मेरा चैनल प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स फाइन अगर कोई क्वेरी है माय डियर स्टूडेंट दिस टाइम आई एम रियली ट्राइंग टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस ऑफ TGT एंड PGT ओके मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कंप्लीट सिलेबस दे पाऊँ सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं मैं उन सबको करवा पाऊँ इफ़ यू वॉन्ट टू बी विथ मी देन प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट लाइक से थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है मुझे ओके एंड दोज हु आर न्यू एट माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड माई डियर स्टूडेंट्स माई डियर फ्रेंड्स माई डियर व्यूअर्स वन थिंग कीप इन योर माइंड ऑलवेज बी हैप्पी बी पॉजिटिव बाय हैव अ नाइस डे